घर ले चलो इसे युवराज, थोड़ा सा मातम मनाते हैं। कमरे में कहां तक उठाऊं, क्या क्या समेटूं? लॉन्ड्री के कपड़े हैं। ये देखे तुमने एंडी? हाँ देखे थे सुबह से। तो फिर जाकर धोकर क्यों नहीं लाए तुम? What? स्वच्छ भारत बनाना है एंडी, चलो जल्दी ये कपड़े उठाओ, इनकी सफाई करके लेके आओ। और हाँ एक और बात याद रखना, अपने कपड़े ना डार्लिंग मेरे कपड़ों से थोड़े दूर रखना, क्योंकि मुझे गंदगी की फाकी पसंद नहीं है। You have to be mean to me. Whoa, Andy Sager, what do you mean mean? तो इस तरह से मुझसे बात कैसे कर सकते हो? तुम भूल गए कि इस घर की करता धरता मैं हूँ, सब कुछ मेरी मुट्ठी में। इसलिए डार्लिंग मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है, इनफैक्ट वो लिस्ट बनाओ जो तुम्हें करना है। इस घर में अब तक सुमित्रा के साथ जो कुछ भी होता आ रहा है, अब से वो तुम्हारे साथ होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे साथ बहुत सारे सालों में हुआ और तुम्हारे साथ बहुत थोड़े से टाइम में होगा। इसलिए एंडी तुम्हारा दर्द मुझसे कहीं ज्यादा होने वाला है। You can't do this to me, Sumi. I already am, darling. और देखो ना, नए साल में मैंने तुम्हारा नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया, घर की सफाई का प्रोजेक्ट। तो चलो जल्दी जल्दी से कपड़े ले जाओ और इन्हें साफ करके ले आओ। और हाँ एंडी, दांत ज्यादा पीसने की जरूरत नहीं है, वरना घर के गेहूं भी तुम्ही से पिसवाओगे, कुक की भी छुट्टी कर दूंगी, समझे? डार्लिंग जल्दी से सुपर हीरो बनके इस घर की सफाई कर दो, वरना सुपर हीरो के चेक से सुपर जीरोस भी काट दूंगी, क्योंकि अब से तुम्हारे चेक्स भी तो मैं ही साइन करती हूँ ना। जाओ जल्दी से सफाई करके आ जाओ, मुझे आराम भी करना है। रूही रूही आ गई बच्चे, मामा आ गई, आ गई आ गई। आई एम सो सॉरी मेरा बच्चा, आई एम सो सॉरी मेरा बच्चा, सो सॉरी। नहीं रोते नहीं रोते, आपकी मम्मा बहुत थक गई थी ना। आई एम सो सॉरी मेरा बच्चा, आपकी नानी ने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। पता है अचानक से उनके सींग निकल आए हैं, बिल्कुल डेविल जैसे। और आपको पता है आपकी मम्मा ने तो आज तक एक गिलास जूस भी खुद से नहीं पिया, और आज उनको इतना काम करना पड़ रहा है, कपड़े धोना, बर्तन मांजना। आई नो बेबी, आपको अपनी मम्मा पे तरस आ रहा है ना? मुझे भी मुझ पे बहुत तरस आ रहा है, और आपकी नानी को ना आपकी मम्मा पे बिल्कुल तरस नहीं आता। शी सो इविल, इतना काम कराती हैं। पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इस घर में सिर्फ उनकी चलने वाली है, हर चीज पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। मेरा बच्चा। हाँ एक चीज बताऊं, आज आपकी मम्मा ने आपके लिए खुद दूध बॉईल किया है। हाँ देखो देखो। सॉरी मैं आपको बिना दूध पिलाए सो गई। ओ गॉड, ये तो बहुत गर्म है, मैं रूही को इतना गर्म दूध देने वाली थी। अगेन सो सॉरी बच्चे, रूही की मम्मा बहुत बुरी है। लेकिन रूहू के चाचू बुरे नहीं हैं। बच बच बच। अरे रूही, मेरे होते हुए कैसे रो सकती है, कैसे भूखे सो सकती है? डोंट वरी। बच बच नहीं रो। मम्मा को भी कहो कि परेशान ना हो, क्योंकि बुल्टू द सुपरमैन ने सब काम कर दिया है, चावल भी छीन लिया, सब्जी भी काट लिया उसने, और कपड़े भी धो दिए, और जो कपड़े धोने वाले थे उसे वॉशिंग मशीन में भी डाल दिए। और सबसे बड़ी बात, इतना सब हो जाने के बाद तुम्हारी नानी मम्मा को खबर होने तक भी नहीं दी। ये लो,
आ जाओ। बुल्टू, हाउ कैन यू बी सो नाइस टू मी? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ इतनी मीन रही हूँ. मीन? मीन इज एन अंडरस्टेटमेंट. तुम झूठ चुड़ैल भूत सब रही हो. बुल्टू, शट अप. अच्छा, इतना जोर से मत हंसो, तुम्हारे हंसने के बाद बाहर जाने से चिल्लाने की आवाज अंदर आ जाएगी और पता चल जाएगा कि तुमने काम सारे नहीं किए. मुझे तो पता चल गया. बुल्टू, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम इस घर में खामखा इतना क्यों मंडराते रहते हो. मुझे लगता है शायद तुम्हें फ्री का खाना खाने का शौक है ना? और एंडी को तो फ्री का खाना खिलाने का शौक है ही, लेकिन ऐसा कोई बुरा शौक मुझे नहीं, इसलिए तुम समझ ही गए होगे मैं क्या कह रही. नहीं समझे? अच्छी तरह से समझाती हूँ. गेट आउट, दफा हो जाओ. सुमीमा, आदि, मौसी का पिकअप. हाँ, सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, बस आती हूँ. गुड, वहाँ पे कोई गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि वो माहिर के लिए शादी का रिश्ता लेके आ रही है और ये शादी जितनी जल्दी होगी मेरा मकसद उतनी ही जल्दी पूरा हो जाएगा. और अंकल, हाउ आर यू? हेलो बडी, हाउ आर यू? हाँ मौसी, बहुत हॉट लग रहे हो. हाँ, गुड टू सी यू. मगर ये क्या, आपके इतने सुंदर चेहरे को देख के लग रहा कि आप खुश हो. हेलो, बहुत खुश है भाई. और अगर ज्यादा खुश हुई तो पोल खुल जाएगी. पोल खुल जाएगी मतलब? अरे बुटोक्स हुआ ना यार, समझा कर. क्या क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं भाई, तुम्हारी स्माइल की तारीफ कर रहा हूँ. और क्या, इतनी किलर स्माइल भी हो तुम्हारी, कमाल करती हो तुम भी.